जब ये कवर आया तो कवर रिसीव किया वालिद साहब ने। जब मैंने वालिद साहब से कवर लिया तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये कवर इतना महंगा क्यों है। अब वालिद साहब को कोई कैसे समझाऊं कि भैया सारे पैसे इसके हैं। विल डिसाइड नथिंग टू विद द ब्लॉग। ब्लॉग अब शुरू होगा। जिन्हें लॉर नहीं देखा ऐसा है कि मेरे चल रहे थे मिड्स, और मिड्स में जो है स्ट्रेस का जो लेवल होता है ना वो अपनी इंतहा पे होता है। बस दिन रात यही फिक्र होती है कि पेपर किस तरह पास होगा। मैं सीए का स्टूडेंट हूँ ना, मुझे बस पेपर पास करना होता है, कोई जीपीए वगैरह का रोला नहीं है, अनलाइक यू। लेकिन पेपर पास करना काफ़ी मुश्किल है, और पेपर सीजनों में हर चीज़ से ही आपको स्ट्रेस मिल रहा होता है। यार मेरी टेबल के साथ ये पड़े थे ड्राई फ्रूट्स, लेकिन अब इसमें सिर्फ किशमिश रह गई है और मैं किशमिश नहीं खाता। बस स्ट्रेस के सालों में यही रूटीन है कि सुबह उठो, पेपर दो, वापस आओ, फिर पढ़ो, फिर पेपर दो, फिर पढ़ो, फिर पेपर दो, फिर पढ़ो, फिर पेपर दो। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसका इस व्लॉग से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन आपको हिदायत मिल जाएगी मेरी गलतियों से। कभी अपना कैमरा या फ़ोन माउंट करने के लिए सस्ता माउंट ना लें, वरना 3, 2, 1 लो जी है तो डिग बयासी। लो जी, रूटीन तो इसी तरह की चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया कि पढ़ते पढ़ते मैंने अपना फ़ोन उठाया, फिर इंस्टाग्राम लगाया और एक स्टोरी देखी, जीम से जाफर इज कमिंग टू लाहौर फॉर अ जीम जैम। आई कैलकुलेटेड क्या मैं इस जैम में जा सकता हूँ, और फिर बस टाइम निकाल लिया। दस्ती भाई ने जाफर भाई को मैसेज किया, इंशाल्लाह मिलते हैं, और फिर जाफर भाई ने कहा यस सर, इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, और अपने सबने दोस्तों को भी लेके आइएगा, कोई गाने वाले मैं कैमरा कैसे उठाऊं, हाथ में यूं की ले ली है, स्लो मोशन भी हर वीडियो में जरूरी है, एक अच्छा सा ड्रोन लेके उसे उड़ाना है, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है, व्लॉग करना है मुझे, व्लॉग करना है जाफर भाई के साथ जैम करके बहुत मजा आया। और यार एक बात है, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे कोई ना कोई दोस्त जरूर मिल जाता है। एक जैसे कपड़े लाइट में देखे, एक जैसे कपड़े। असल में मैंने मर्च लॉन्च किया, तो ये मेरा पहली, मैंने अपनी मर्च बेची है। बहुत आला स्टफ है सर, कमाल। आप भी लीजिए। अगर आपको नहीं पता कि जैम क्या होता है, तो जैम में लोग इकट्ठे होते हैं, साथ मिलके बैठते हैं और गाने गाते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं। मैं तेरे कुर्बान। मुझे बस मौका चाहिए होता है इस तरह के इवेंट्स में शरीक होने का, फिर चाहे मेरे मर्जी क्यों ना चल रहा हूँ, मैं तो भाई टाइम निकाल लेता हूँ। और पिछले दिनों एक लड़के का मैसेज आया, उसने कहा मैं आपकी वीडियोस देखता हूँ और आपकी स्टोरी टेलिंग में कोई बात तो है,
आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप सीए कर रहे हैं तो आप ऐसी वीडियोस बनाएं जिसमें आप लोगों को बताएं कि सीए जो है वो सीए के स्टूडेंट्स बोरिंग नहीं होते, ताकि लोगों का परसेप्शन चेंज हो। तो मैंने सोचा कि सीए बोरिंग होते हैं या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, बट देयर इज अनदर थिंग व्हिच आई बिलीव दैट शुड नॉट एग्जिस्ट इन एनी सोसाइटी और वो है स्टीरियोटाइप। इसके बारे में राय इख्तियार कर लेना क्योंकि वो एक जात, सोशल स्टेटस, इंस्टीट्यूट या प्रोफेशन से बिलोंग करता है। हमें दूसरे शख्स को मौका देना चाहिए कि वो अपनी शख्सियत को खुद बयान करे बजाय इसके कि हम पहले से ही कोई राय इख्तियार कर लें उसके बारे में। तो मेरा रूल सिंपल है, अनजान लोगों से मिलता हूँ ताकि उनके ख्यालात जानने का मौका मिले, उनके तजुर्बात और एहसास से कुछ सीखने को मिले, और उनमें से जो शख्स अच्छा लगे उसे दोस्त बना लेता हूँ। आज भी अनजाने लोगों के साथ बैठ के गाने गा रहा हूँ, नाच रहा हूँ, क्योंकि ऐसा करने में मुझे मज़ा आता है और काम मैं सिर्फ वही करता हूँ जिसमें मुझे मजा जाफर भाई के साथ जैम करके बहुत मज़ा आया। और यार एक बात तो है, मैं जहाँ भी जाऊँ मुझे कोई ना कोई दोस्त ज़रूर मिल जाता है, क्योंकि मैं कोई ना कोई दोस्त बना लेता हूँ। था इश्क नहीं था।